हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइलिंग अध्यक्ष। आज हमारे पास आई थी होंडा का एक्टिवा फाजी, और इसमें ये प्रॉब्लम था, गाड़ी चलती थी तो बहुत ज़्यादा आगे से वाइब्रेशन कर रहा था। तो हम बताते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका पहले क्लच खोलते हैं और फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम था। तो क्लच कवर खोलेंगे, क्लच कवर में क्या रहता है, अपना आठ का पूरा बोल्ट खोल लेंगे और क्लच कवर को बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं ऊपर ये अपना बैंडेक्स का कवर है और उसके अंदर अपना जो रहता है बैंडेक्स रहता है। तो अब क्या करेंगे, हम 22 का ये नट और फिर अपना एक 19 का नट दोनों को खोल लेंगे। ये अपना 19 का नट है, ये वाइशर है, ये अपना पुल्ली का कवर है, ये अपना पुल्ली देख सकते हैं, पुल्ली जो है अंदर अपने आप दबा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये अपना 22 का नट ढीला था, इसको बाहर निकाल लेंगे। ये वाइसर, इसके अंदर एक और बड़ा वाइसर, दो वाइसर रहता है, एक बड़ा एक छोटा। और अब निकालेंगे अपना फैन कवर, तावा के ऊपर रहता है। और ये अपना तावा, ये अपना बेल्ट, ये अपना है डिस्टन, ये अपना वेरिएटर के अंदर रहता है। ये देख सकते हैं ये वेरिएटर, उसके अंदर रहता है अपना गोटी, ये काजू है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये अपन लगा क्रैंक का रोड चेक कर रहे हैं कि बेंड तो नहीं है ना, क्योंकि बैंड भी रहता है तो बहुत ज़्यादा गाड़ी वाइब्रेशन और साउंड करता है। बैंड नहीं है, अब क्या करेंगे, हम नट को खोल के निकाल लेंगे। अब ये पुल्ली का हाल देख सकते हैं, कैसा टूटा हुआ है पुल्ली, इसके वजह से पुल्ली दबा हुआ था। देख सकते जो क्या था, ये अपना जूना वाला पुल्ली का देख सकते, पूरा टूट गया था। तो हम इसके जगह पर हम ये न्यू वाला डालेंगे। और आपको मालूम है फिटिंग कैसे करते हैं, ये दोस्तों ये जो कैप है, ये कैप खराब हो गया, तो हम इस कैप को दूसरा डालेंगे। तो अभी आपको बता देता हूँ फिलहाल इसको फिटिंग कैसे करते हैं। देख सकते हैं इसमें ये जो होल दिख रहा है, ये दोस्तों इसमें तीन छोटा छोटा गोटी रहता है, उसको हम कुत्ता बिल्ली बोलते हैं। वो तीनों खांचे में लगा के, और फिर जो दिख रहे ये वाला जिसका ये जो दिख रहे, ये टूट गया है, तो हम इसकी जगह ये दूसरा डालेंगे। इसे हम साथ में नहीं आता है, तो अभी क्या रहता है इसको निकाल के और इसमें डाल के, वो गोटी को डालने के बाद फिर इसको ऊपर से डालते हैं, फिर डालने के बाद अपना को स्प्रिंग ऐसे डालते हैं, ये अपना नट नहीं रहता है, ये फिर ऐसे रहता है। एक कैप लगाने के बाद इसको ऊपर से डालते हैं, फिर इसको ऊपर से देते ये ब्रेक शू, ये ऐसे इसको क्लच शू बोलते हैं, ये ऐसे दबा के और फिर इसको ऊपर से ये नट को टाइट करते हैं अच्छे से। तो अभी देख सकते हैं हमको ये बताना इसलिए हुआ कि ये जो पेन है ये कभी ना भूले, इसके अंदर जो लॉक रहता है छोटा छोटा रहता है, तीन रहता है, उसको डाल के अच्छे से ग्रीसिंग करके फिर वो डाल के फिर इसके ऊपर ऐसा गोल में जो पार्ट रहता है उसको डालते हैं, और डालने के बाद फिर उसको पैक करते हैं, और उसके बाद से ऊपर से स्प्रिंग लगाते हैं, फिर अपना ये क्लच शू रहता है, फिर उसके बाद से नट रहता है, फिर लगा के उसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो अभी हम सब फिट करने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, इसमें क्या रहता है अपना एच डी जाता है, तो अभी क्या करते हैं हम जाते हैं फिलहाल इसको फिट करते हैं और फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम सब इसको क्लीन करके रख लिए हैं, अब क्या करेंगे, अब इसको हम फिटिंग करेंगे, तो बताते हैं हम फिटिंग कैसे होता है। कवच तो गाइस देख सकते हैं अभी हम सब इसको क्लीन किए, तो पहले क्या ये देख सकते हैं, ये अपना वेरिएटर है, और ये देख सकते हैं इसके अंदर जो रहता है अपना गोटी रहता है, ये गोटी है, और ये जो छोटा छोटा देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं काजू, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, अब हम पहले इसको ऐसे लगाएंगे, देख सकते हैं ऐसे फिट हुआ, इसको ऊपर ये डिस्टन बोलते हैं इसको, ये डिस्टन लगाएंगे ऐसे, देख सकते ये लग गया। अब इसके ऊपर हम ऐसे बेल्ट को डाल देंगे, बेल्ट गया, इसको हम लोग तावा बोलते हैं, ये तावे को ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर आता है ये फैन कवर, इसको ऐसे डाल देंगे, ये फैन कवर अपना हीटिंग कम करने के लिए आता है, ये देख सकते हैं ये वाइसर पहले रहेगा ऐसे, फिर उसके ऊपर ये अपना छोटा वाइसर रहेगा ऐसे, फिर उसके ऊपर आएगा अपना 22 का नट ऐसे,
ये है अपना पुल्ली, पुल्ली को लगाने के ऐसे बेड में लगा के और इसको ऐसे दबा के और ये ऐसे इससे ये हो गया अपना पुल्ली लग गया। पुल्ली के ऊपर आता है ये अपना कवर, पर इसे कवर फिट हो गया। कवर के ऊपर आता है एक छोटा वाइसर, वाइसर को लगा दिए। ये अपना आता 19 का नट को लगा दिए। अब इसको हम टाइट कर लेंगे। ये हो गया टाइट और ये अपना 22 देख सकते हैं। और ये अंदर देख सकते हैं, ये अपना बैंडेज लगा हुआ है, बैंडेज और बैंडेज का कवर। ये देख सकते हैं, ये अपना सामने वाला है, दोनों लगा हुआ है। तो अपना किक भी फ्री है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पैक कर देंगे। ये अपना क्लच कवर बोलते हैं। ये देख सकते हैं, ये अपना क्लच कवर बैठ गया। अब उसके बाद से ये अपना 8 का बोल्ट जितना रहेगा लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो अभी हम गाड़ी को धुला लेंगे और फिर धुलाने के बाद आपको दिखाते हैं चालू करके कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं अभी हमने गाड़ी को सर्विस भी करा लिया और देख सकते कितना ज़्यादा क्लीन हो गई गाड़ी। तो अभी हम चालू करके दिखा रहे हैं, चालू करो गाड़ी, चालू करके दिखाते हैं हम। देख सकते कितना साइलेंट चालू हुई गाड़ी है, पहले का तो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा था और आवाज़ करने में बहुत गंदा आवाज़ कर रहा था। देख सकते गाड़ी अपनी चालू है और आवाज़ भी बिल्कुल भी नहीं है और वाइब्रेशन से ज़रा भी गाड़ी भी नहीं है। तो अभी जो इसका वाइब्रेशन का प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये देख सकते किक भी एकदम फ्री है, ये देख सकते एकदम। ये अपना एक्टिवा 5G था। देखते हैं इसमें जो वाइब्रेशन का प्रॉब्लम था, गाड़ी अपना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा था और जो इसका जैसे कि आपने बोला हमने क्लच उसका पुल्ली जो था पूरी तरह टूट गया था। तो वीडियो को अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हाँ जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।